ये है दिल्ली दर्पण। गो तस्करी रोकने के लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार ने भले ही नए कानून में गो हत्या के लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है, लेकिन हरियाणा में गोकशी करने वालों में इसका कोई भय दिखाई नहीं दे रहा। ताज़ा मामला दिल्ली से सटे फरीदाबाद का है, जहां गायों को पिकअप गाड़ी में चुरा कर भाग रहे गो तस्करों का पीछा करने पर गो तस्करों ने गो रक्षकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। लेकिन गनीमत ये रही कि किसी को गोली नहीं लगी और गो रक्षकों की जान बच गई। इस दौरान अपनी जान बचाने के लिए गो तस्करों ने गायों को गाड़ी से नीचे फेंक दिया और गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस गो तस्करों की गाड़ी को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्यवाही में जुट गई है। दरअसल आज सुबह की बात, करीब 3:30 बजे की बात है, हमें अचानक गौ तस्कर डबुआ मंडी में दिखे और गायों को भुस्की तरीके से डाल रहे थे। वो मतलब बहुत क्रूअल्टी से उन गायों को डाल रहे थे और बांध रहे थे। हम रोज़ाना गायों को गुड़ खिलाने के लिए जाते हैं और कंबल डालते हैं जो गायें ठंड में ठिठुर रही होती हैं, तो मैंने देखा और उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने एकदम गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ाते हुए निकल गए और आगे जाके एक रास्ते पर सरिया पड़ा था, उस सरिये से उसका टायर फट गया और हम इस गाड़ी के पीछे हो लिए। जैसे जैसे हम इस गाड़ी के पीछे हो लिए और ये हमारे ऊपर गायें डालती रही, मगर हम रुके नहीं। आगे जाके इसका भनकपुर गांव में हमने इसको, वहां पर ये रुक गई, अपने आप छोड़कर इसको भाग गए वो लोग फायरिंग करते हुए। तो आपके और तस्करों के बीच में फायरिंग हुई है? हाँ जी। कितनी राउंड फायरिंग? इसमें तकरीबन 5 से 6 गोलियां चलाई उन्होंने हमारे ऊपर, हमने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। तो पुलिस प्रशासन मौजूद नहीं था? हाँ जी, पुलिस हमारे साथ हो गई थी। जब भी पुलिस की PCR हमारे साथ हो गई थी, पुलिस की सहायता से ही हमने इन्हें भनकपुर में काबू किया है। मौके पर हमारे बहुत ही बढ़िया ACP साहब भी पहुंच गए हैं, मुझे उनका नाम तो नहीं पता मगर बहुत ही जेनुअन आदमी थे। मौके पर उन्होंने हमारी पूरी मदद की। आपने इस गाड़ी के, तस्करों की गाड़ी के पीछे? हम इसके पीछे आधे से पौना घंटा पूरा ऑपरेशन चला था, आधे से पौना घंटा हम इसके पीछे रहे थे। तो टायर फटे हुई गाड़ी में? हाँ जी, टायर फट गया था गाड़ी का और टायर फटी हुई गाड़ी को वो इतनी तेजी से चला कर ले जा रहे थे। कितने लोग थे इसमें? इसमें 7 से 8 लोग थे और 6 गौवंश थे, और जिसमें से 2 गौवंश तो मर गए हैं और 4 गौवंश सकुशल छुड़ाया गया। जिनको इस मामले को पुलिस ने कोई आरोपी गिरफ्तार किया तक? नहीं, अभी तक हमने दरखास्त दी है, अब पुलिस रात से ही लगी हुई है इन आरोपियों की धरपकड़ पे। पुलिस का हमारे पास टाई अप बना हुआ है। तो गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया? हाँ जी, गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है और कार्रवाई कर ली। कहाँ के गाड़ी है? गाड़ी इस टाइम सिकरौना चौकी में है और डबुआ SHO हैं जो, उनके साथ हमने वो अपने सूचना साझा किए हैं जो हमारे साथ हुआ है अब तक। दिल्ली दर्पण TV के लिए फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर